जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। आपको बता दें, दो दिन की छापेमारी के बाद वापस लौटी आईटी की टीम। कई दस्तावेज और फाइल लेकर टीम रवाना हुई है। दो दिन तक इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। सहारनपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दो दिन की छापेमारी के बाद अब वापस लौट गई है आईटी की टीम। आपको बता दें, दो दिन तक इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। अब फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीम ने जो कार्रवाई की है, छापेमार कार्रवाई, उसके बाद वापस जो है आईटी की टीम लौट गई है। कई दस्तावेज और फाइल लेकर टीम जो है रवाना हुई है। दो दिन तक इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जो भी सबूत मिले हैं वो इकट्ठा करके अब जो टीम है वो चली गई है। आजम के करीबियों पर ये आईटी का एक्शन देखने को मिला है। तो दो दिन की कार्रवाई के बाद टीम जो है वापस लौट गई है। आजम के करीबी पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही थी। दो दिन की छापेमारी के बाद वापस टीम लौटी है। अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता चंद्रभान से। चंद्रभान, दो दिन तक इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की, आईटी की टीम पहुंची, आजम के करीबियों पर छापेमारी की, अब वापस लौट गई है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए ममता, मैं बता दूं कि ये पिछले दो दिन से यहाँ पे रेड चल रही थी सहारनपुर में। ये है दीपक गोयल जिनके आवास से और उनके ऑफिस से ये रेड चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि ये खुद ये जो आजम खान की जो संस्था है उसकी संस्था के जो सारे जो कागजात है उनकी देखरेख ये कर रहे थे और करते हैं। ये काफी दिनों से काम को कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जो इस काम को सहारनपुर से ही केजी अग्रवाल है वो इस काम को करते थे और उसके बाद में ये वो विदेश चले गए तो उसके बाद में इनको काम सौंपा गया। हालांकि यहाँ पे दो दिन जो भेज चली है वहां पर पूरी तरह गोपनीय रखी गई है, वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जिस तरह वो सूत्र बताते हैं तो वहां पे ये जो बड़े पैमाने पर जो कुछ फाइलें हैं उन फाइलों को और कुछ कंप्यूटर को और उनके सामान उन्होंने यहाँ से डाउनलोड करके और वो यहाँ से लेकर गए हैं। और जो ये टीम थी जो बरेली की यहाँ पे टीम थी तो देहरादून की टीमों ने यहाँ पे छापेमारी की थी जिसमें करीब जो है या एक दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी जो इसमें शामिल थे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आजम के करीबियों पर यह कार्रवाई की गई है और तमाम दस्तावेज इस दौरान बरामद किए गए हैं। अब उन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है एक्शन देखने को मिल रहा है और आईटी और का ये बड़ा जो छापा पड़ा है इसमें बहुत सारी चीजें जो है आईटी विभाग को मिली हैं। अब इन सभी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजम के करीबी पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही थी।